जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। तो भैया आ गए हम फिर से एक नया व्लॉग लेके। बहुत अब की बार जो व्लॉग आ रहा है ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके व्लॉग है। हमारा एक दोस्त है अंशुमान पांडे, तो अभी हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो उसका कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे हमारे एक रिलेटिव का कॉल आया है, यहाँ पे कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कुछ इंडियन वर्कर्स लाए गए हैं, कम से कम 150 बता रहा था वो। जैसे कि मैंने तो अभी जाके नहीं देखा, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ। तो जो लाया गया था उनको भाई साहब कुछ स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह के चक्कर में लाया गया था। मतलब उनको कोई जॉब वॉब अभी दी नहीं गई है, उनको एक अलग से बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्कर्ट में बिस्के एक से दूर 5-7 किलोमीटर दूर ले जाके उनको एक टेंट वेंट में रखा गया है। कोई ना ही तो कोई खाने वाने का सिस्टम नहीं है और ना ही कोई क्या बोलते हैं कुछ जैकेट वैकेट नहीं है सर्दी वर्दी के चक्कर में। तो अब वो बोला कि यार उनके जाके पता करते हैं कि उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब वो वर्कर्स को निकलने नहीं दे रहे टेंट से बाहर, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और बोल रहे हैं कि अगर तुम बाहर निकलोगे तो आर्मी तुम्हें गोली मार देगी, ऐसा कह रहे हैं। तो आज चल के देखते हैं जैसा भी सिस्टम रहता है फ्रॉड व्रॉड का। हाँ भाई साहब बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, इंडियंस के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। अब हमको ये बताया गया भाई साहब, हमसे तो रुका नहीं गया भाई साहब कि इंडिया में तो चल कैसे भी लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन बाहर वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में आके इंडियन की मदद ना करे तो सही नहीं होता ना सिस्टम। ये बात यह है। तो अभी चलते हैं, वो लोग आ रहे हैं, मैं फजलू और अंशुमान पांडे दास वगैरह ये सब 5-7 दोस्त हैं, हम चल रहे हैं। अभी टैक्सी चलते हैं, इधर से 5-7 किलोमीटर दूर है, इधर से दिखाते हैं आपको जैसा भी सिस्टम रहता है। क्या पता ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सही भी हो, वहाँ चल के पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अभी हमको। अभी चलते हैं, आज भाई साहब बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है मस्त एकदम आराम से। यार गलत है नहीं तो। हाँ एक और बात, हाँ अभी मेरे को 3-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक लड़के का मैसेज आता है इंडिया से ही कि एक उसने स्टिकर से भेजा था कि भैया इसमें स्टोर कीपर की जगह निकली है, 60,000 मेरे को सैलरी दे रहे हैं विद एक रूम दे रहे हैं और वगैरह वगैरह। मैंने कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है कुछ, बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अभी वो आएगा तो मैंने उसको बोला कि यार 10-15 हज़ार में तो यहीं मेरे किर्गिज लोकल लोग मिल जाएंगे तुमको, 10-15 हज़ार में तो स्टोर कीपर के रूप में तुमको 60,000 क्यों सैलरी दे रहे, इतना दूर आने के लिए सिर्फ स्टोर कीपर के रूप में। तो ये मैंने उसको मैसेज किया भाई फ्रॉड से बच के रहना और मत आना, अपना इंडिया ही बेस्ट है ऐसे। तो खैर अभी चल के देखते हैं जैसा भी प्रॉब्लम रहती है, अभी कोई पक्का वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है फिर टैक्सी आने के बाद चलते हैं, दिखाते हैं आपको जैसा भी सिस्टम रहता है। अगर कोई जो हमसे बनेगा वो हम कर देंगे और तो क्या ही है। भाई ये लोग आ गए देखो, और 10 मिनट लगा ली टैक्सी ने, 10 मिनट अब आई बताई टैक्सी, चलते हैं दिखाते हैं जैसा भी सिस्टम। हल्की हल्की बूंदे भी पड़ने भाई साहब, बारिश स्टार्ट ना हो जाए। चलो टैक्सी आ गई भैया चलते हैं। ये हमारा सब्सक्राइबर भाई साहब सेकंड ईयर का है, ये बोला मेरे को ब्लॉग में ले लेना भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शहर से बाहर है, बिल्कुल पहाड़ वहाड़ देखने को मिल रहे हैं, देखो पहाड़ वहाड़ देखने को मिल रहे हैं, चल रहे हैं रोड अलग सा है, पहली बार आए हम तो इधर भाई। कंस्ट्रक्शन साइट तो दिखा ही शायद, इधर ही काम होता है, देखते हैं लोकेशन पे पहुंच रहे हैं बस। मे बी हम फर्स्ट भाई साहब इधर आ तो गए हैं, लेकिन गार्ड से पूछा हमने कि यहाँ पर 150 लोग रहते हैं जो काम करवाने के लिए लाए, वो मना कर रहा, बोला एक जरूर रहता है यहाँ पर एक आदमी, तो बुलाने गया उसको, वीडियो चुपके चुपके से बनाऊंगा, देखते हैं कैसे कस्टम है। कोई पार्क है, पार्क को हटा के कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इधर, देखो पता नहीं किधर आ गए भाई साहब। ये बिस्केक से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल देखिए भाई उधर की साइड जाना है, देखो कंस्ट्रक्शन साइट, वो गार्ड ने मना कर दिया कि इधर कोई नहीं रहता है, उधर शायद रहते हैं लोग बाग, देखते हैं फॉरनर्स वगैरह इंडियन वगैरह। तो उधर की साइड जा रहे हैं, 150 मीटर है यहाँ से, देखते हैं जैसा भी सिस्टम था। बारिश की स्टार्ट होने लगी भाई, बिल्कुल अलग है, कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा, हम गार्ड के अलावा एक आदमी और दिखा था, उसके अलावा कोई भी नहीं दिखा इधर, देखते हैं सिस्टम कैसा है। उधर से घुसना भाई साहब हमको, शायद एंट्री होने दे नहीं होने, अरे 5 लोग चल रहे हैं एंट्री तो करवाए देंगे, पाणे जी 2 मुक्का मारना साला सन्नी देवल की तरह, पूरा हैंडपंप उखाड़ देना। 200 मजदूर काम कर रहा हूं, उनको नहीं तो वो अपने साथ है ना, वो तो इंडियन है ना, वो तो इंडियन है तो उनको हिंदी में बोलेंगे ना, तुमको फंसाया जा रहा है, मतलब हमारे साथ हो जाएंगे। और हाँ भाई कौन है ये साथ में चल रहा है, ये पांडे जी के कोई दूर के मामा है, तो वो 18 तारीख को आ गए थे, 5 दिन से यहीं रह रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कैसा कैसा सिस्टम रह रहा है भाई साहब, 5 दिन हो गए उनको यहाँ रहते रहते। भाई इधर ऐसा लग रहा है कि शायद इधर ही अभी लोकेशन मंगा रहे, नेट ऑफ था भैया, चलते हैं ऐसे ही चल रहे हैं, कोई भगा ना दे बस इधर से, हमें बस इधर और कोई नहीं है, मेन रोड है देखिए, पेड़ ही पेड़ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट वाला रास्ता हो, पता नहीं कहाँ आगे हमको कोई पता नहीं है हम किधर हैं। ठीक है मिलते हैं आगे चल के, दिखाते हैं, रास्ता भी नहीं पता, रास्ता शायद इधर से या नहीं है, गेट वेट भी नहीं पता, बोले तंबू में रखा गया, तंबू देखते तंबू दिख ही नहीं रहा हमको।
इधर से जाना है हमको, पता नहीं भाई साहब, गार्ड भी बैठा, गार्ड बना ना कर दे साला। भाई साहब पहुंच गए और अभी इधर गेट पर खड़े हैं, इसके मामा जी आ रहे हैं और अभी भाई साहब गार्ड लोग खड़े हैं इधर, 3-4-5 गार्ड हैं, वही फौजी वाली यूनिफॉर्म में तो आ रहे हैं वो। हाँ भाई निकल आए इधर से। हाँ तो क्या बता रहा था, रुक जाए एक मिनट, टैक्सी का वेट कर रहा है अभी, टाइम लगाएगा क्योंकि बहुत आउट में है थोड़ा, तो इसलिए। हाँ अंदर की बात बता रहा, इधर से गए भाई साहब, 4-5 गार्ड थे यूनिफॉर्म वगैरह में, तो यहाँ की यूनिफॉर्म ऐसी उस बाजार मिल जाती है 500 में, तो क्या था कि वहाँ डरा रखा था कि भाई साहब ऐसा कर देंगे वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम गए और कुछ लोग वहाँ से यूपी के थे ज़्यादातर, 150 वर्कर्स को लाया गया था। हाँ तंबू में जो रह रहे थे खैर वो, और ये वाली जो बिल्डिंग है इसको बनाने का सिस्टम था। और हाँ भाई साहब सैलरी अच्छी खासी मिल रही है इनको, बोल रहे थे कि जो स्टील वर्कर हैं वगैरह वगैरह जो मेन वो हैं वर्कर्स वगैरह, उनको 70,000 सोम मिलेंगे भाई साहब पर मंथ, और जो हेल्परी वगैरह के उनको 40,000 सोम मिलेंगे। इस हिसाब से तो बहुत सही है। तो इनके डांडे के जो रिश्तेदार हैं, जो भी थे रिलेटिव्स वगैरह, उनको कि पहली बार निकले थे, पता नहीं मन वन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इनको ऐसा लगा कि बुलाने मिलने आ जाए वगैरह वगैरह सिस्टम था। और भी कुछ लोग मिले थे भाई साहब, 5-6 लोग थे, वो सब बोल रहे थे बड़े मजे कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी खूब मिलने आता है, मतलब जो हमने सोचा था शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब और लोगों से भी बात की तो वो बोल रहे थे भाई साहब खूब मुर्गा उर्गा मिलता है, मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खूब इंडियन खाना मिलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। टैक्सी का वेट कर रहे हैं भाई साहब, बारिश हो रही है, देखो सब लोग खड़े हैं इधर। आगे चल के और इन्फॉर्मेशन देते हैं, अभी एक पुलिस वाला जो घूर रहा है साला बगल में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बाद में ब्लॉग बनाऊँ। भाई इतनी दूर है साला ये, और हमको पता नहीं था भाई साहब ये यूक्रेन एम्बेसी है जो बगल में खड़े हैं, ये गार्ड निकला था अभी। टैक्सी आ गई है, 15 मिनट लगा टैक्सी आने में, अब चलते हैं भाई साहब इसके आगे की स्टोरी वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो भैया पहले तो लिमोजिन में बैठ के आए थे, पता नहीं अब क्या मिलेगी। चल अब चल चल। कलीम काना, अनवर अटेला, अफजल टुंडा। आगे भाई साहब आगे, तम्बू में से आगे दबर है गया, दास रह गया भाई साहब। चलो चलो चलो, ये कितनी नई सड़क लग रही है यार यहाँ तो है। हाँ जी मित्रों आ गए। तो हाँ मैं एक बात और बताना भूल गया, उधर भाई साहब वो ठुल्ला था, यूक्रेन एम्बेसी थी तो वो बार बार घूर रहा था, तो मैं हाँ अभी दास के फ्लैट पर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं इनसे चाय पी लेने की। हाँ तो बता रहे थे जो वर्कर्स थे कि हाँ जो इंडियंस लोग हैं वर्कर, इंडियन वर्कर, उनको 8,000 वर्कर्स को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला भाई साहब, 8,000 वर्कर आएंगे। मतलब कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई, पहली बार यहाँ पे इंडियन वर्कर्स आ रहे हैं किर्गिस्तानियों को छोड़ के। मैंने यार ये तो गजब बात हो गई, इसको तो हटा ले छाते को अब तो। तो अभी 150 आए थे, अभी 8,000 मतलब और आना बाकी है। ये था सिस्टम, टेंट में तो रह रहे थे खैर, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हम सोच के आए थे जैसा कि भाई साहब इतनी प्रॉब्लम में हो रहे हैं ये सब वगैरह, इनके कोई रिलेटिव्स का मन नहीं लग रहा था इसलिए दिक्कत थी। तो हाँ चलते हैं दास के फ्लैट पे चाय पीते। दास कैसे, मन नाराज से कर रहा, चाय बनानी पड़ेगी इसलिए। एडवेंचर नहीं हुआ कोई एडवेंचर। हाँ भाई साहब मैंने तो सोचा था, एक बार बताऊंगा जो कहानी हमने सुनी थी, हम तो सोच रहे थे भाई साहब जाएंगे तंबू से निकलेंगे, अगला एडवेंचर होगा हमारा तो तंबू से निकलेंगे वो इंटरव्यू देने के लिए, भैया हमारे साथ ये हो रहा, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हम मस्त हम जब ब्लॉग ब्लॉग बनाएंगे वो तो लोग कह रहे वहाँ के भाई साहब हमारे यहाँ तो बहुत तगड़ा मुर्गा मिल रहा है, कभी मच्छी मुर्गा अंडे खूब सब कुछ खाना मिल रहा है। भाई साहब का दिल नहीं लग रहा, हमारा तो खूब लग रहा है, मन कच्चा लग रहा है, उनका मन कच्चा है, उनका मन नहीं लग रहा था, ये सिस्टम था थोड़ा। गार्ड तो सब खड़ूस होते हैं, गार्ड वार्ड ऐसे थे, चलते हैं फिर दिखाते हैं आगे जैसा भी सिस्टम रहता हमारा। मतलब वो है सैलरी भाई 70,000 मिलेगी यार, शायद डॉक्टर की तो साला डॉक्टर की 60,000 होती है, इनकी शुरू से 70,000 है, आगे शुरू ओवर टाइम करो तो साला 1,00,000 तो पहुंच जाएगी यहाँ की सैलरी भाई साहब। बस ये दिक्कत ना हो जाएगी सैलरी कहीं रोक दें, ये हमको डर लग रहा है सैलरी पर हमारी आँख फटी फटी रहेगी भाई साहब। अरे भाई साहब क्या सीन हो रहा, देखो 5th फ्लोर पर रहते हैं ये, और नीचे का दृश्य दिखाता हूँ ये, और आदमी जा रहा देखिए जा रहा, और ये देखिए भाई साहब क्या सीन है। हाँ जी भाई साहब देखियो, दास पांडे के फ्लैट पर हमारी खातिरदारी कुछ इस तरीके से हो रही है, चीबड़ा नमकीन चाय ये कुछ खाने का लड्डू, इधर चल रहा भाई साहब मैच, और इधर रखा पानी, और मस्त मौज हो रही है भाई साहब। अब हमको ऐसी आदत लग जाएगी तो हम हर सैटरडे संडे आया करेंगे इधर है। हाँ साले एक आध बार बोलते हो, बोला मैंने तो बस संडे छोड़।